अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। ताजियादारी भी चल रही है और बहुत सारी और चीजें भी चल रही हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि मातम की, ताजियादारी की इब्तिदा कैसे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये सारे मामलात करना ये इस्लाम का हिस्सा है, दीन का हिस्सा है, इसकी तालीमात आइम्मा अहले बैत से मिली हो, इस तरह के कुछ रुझानात लोग इसको सवाब समझ के करते हैं। तो इसकी जरा तारीख पर गौर करते हैं। बड़ी मुफस्सल कलाम इस पर मौजूद है। इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया में इसमें बड़ा तफसीली कलाम किया है और दीगर तारीख की किताबों में भी मौजूद है। तारीख की बात है तो तारीख की किताबों में भी देखी जाएगी। ये बात है जनाब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के कोई करीबन 300 साल के बाद की बात है। समझ आई बात? आप एक ईरानी नस्ल दैलमी हुक्मरान मुइज़्ज़ुद्दौला बिन बोया या अब्बासी दौरे हुकूमत में बड़ा बाइख्तियार वजीर बन गया था। बगदाद में से एक बड़ा मनसब मिल गया था। कोई पूछ गछ नहीं थी। हादसा करबला, वाकया करबला के कोई 300 बरस के बाद इसने मातम हुसैन और ताजियादारी की बिदत का आगाज। ये बात है 352 हिजरी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है 60 हिजरी की, तो करीबन 300 ईयर्स के बाद। तो क्या मालूम हुआ इससे? इस चीज का ताल्लुक कुरून उला से नहीं, साहबा के दौर से नहीं, ताबईन के दौर से नहीं, तबा ताबईन के दौर से नहीं, मुहद्दिसीन के दौर से, शुरू 300 साल इस्लामी दौर से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद की बात है, कोई घड़ंतू बात है यानी के। और इसके मुतालिक इब्ने कसीर ये भी लिखते हैं कि देखें, अब्बासी खलीफा खुद उस वक्त इस कदर कमजोर हो चुका था कि वो इसके बारे में कुछ ना कह सका ना कर सका। इब्ने कसीर के मुताबिक 352 में माह मुहर्रम की 10 तारीख को मुइज़्ज़ुद्दौला दैलमी ने हुक्म दिया कि बाजार सारे बंद रखे जाएं, औरतें मातमी कपड़े पहनकर चेहरे खोले, बाल बिखेरे और मुंह और रुखसार पीटती हुई बगदाद के बाजारों में मातम हुसैन करती फिरे। रवाफिज ने इस हुक्म की बखुशी इसको तामील तक पहुंचाया और पहले साल तो कोई फसाद नहीं हुआ, लेकिन अगले साल अहले सुन्नत ये बिदआत और खुराफात बर्दाश्त न कर सके और 353 हिजरी में माह मुहर्रम में जब दोबारा इन बिदआत का इआदा किया गया तो वहां पर एक फसाद पैदा हो गया, शिया और सुन्नी फसाद, पहला, फर्स्ट वन। और कसीर तादाद में फरीकैन इसमें मारे भी गए। मुइज़्ज़ुद्दौला ने सिर्फ इसी पर बस ना किया बल्कि अगले साल ईद गदीर जैसी बिदई ईद मनाने का भी उसने आगाज, जिसके लिए इसके हुक्म से शहर के बाजार आरास्ता किए गए और चिरागा और आतिशबाजी का अहतमाम कराया गया। आपको पहले भी मैंने बताया है कि ईद गदीर एक बिदात है। इस तरह की कोई भी चीज हजरत अली की तरफ मंसूब की जाती है। गदीर का वाकया बड़ी तफसील से मैं आपको सीरतुल नबी के दुरूस में बता चुका हूँ। गदीर के वाकया हुआ है, लेकिन उसको ईद का दर्जा इस वाकये के 300 साल के से भी जायद अरसा गुजरने के बाद, यानी गदीर के वाकये के 350 साल के बाद इसे ईद गदीर बना दिया गया। समझ रहे हैं आप? अच्छा, ईद गदीर जो है ये जो मनाते हैं ये 18 जिलहिज्जा की तारीख को मनाते हैं और यही तारीख हजरत उस्मान की शहादत की भी है और हजरत उस्मान से इन रवाफिस को शदीद बुग्ज भी है और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खुलफा राशिदीन अल महदीन से मोहब्बत करते थे। हजरत अबू बकर का जमाना हो कि हजरत उमर का हो कि हजरत उस्मान का हो, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से वो हमेशा मशवरा लेते थे। यहाँ तक के हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की वफात के बाद उनकी बीवी अस्मा बिनती उमैस से न सिर्फ निकाह किया बल्कि हजरत अबू बकर के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर उनको पाला भी। इसी तरह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अली ने अपनी बेटी उम्मे कुलसोम दी, जिस पर मैं आपको बड़ी तफसील से दुरूस पहले दे चुका हूँ। अच्छा, सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक बेटे का नाम मोहम्मद, एक का नाम अब्बास रखा, तो एक बेटे का नाम अबू बकर और एक का नाम उमर और एक का नाम उस्मान भी तो रखा, लेकिन इस पर कोई बात करता नहीं क्योंकि जो बात करेगा वो उस चीज की मुखालिफ जाएगी जो प्रोपेगेंडा होता रहा है। ये तमाम बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ज़िमनन बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ आ गई है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो इन्हीं दैलमी हुक्मरानों ने ना सिर्फ अपने
दौरे वजारत में ताजिया दारी और ईद गदीर की बिदात का आगाज किया, बल्कि इन्हीं के जमाने में पहली दफा रवाफिस एक अलग फिरके के तौर पर मुनज्जिम होकर सामने भी आए और उन्होंने अपनी कुतुब व मसादिर अलग से तदवीन करना शुरू कर। इसी जमाने में इनकी हदीस की एक मोतबर तरीन किताब अल काफी भी लिखी गई, जिसके फिकही मुबाहिस के हिस्से को अलग से उसूल काफी के नाम से लिखा गया। आपने किताब सुनी होगी अल काफी, मैंने भी आपको पहले बताया है। इसी तरह उसूल काफी, ये इसी दौर की किताबें हैं। इसमें मुख्तलिफ सलात के, सौम के, जक़ात के, अजान के अहकामात में अपने आप को अहले सुन्नत से अलग करने के लिए बहुत सारी तब्दीलियां की गईं। इफ्तार के वक्त में ताखीर की गई, अजान में हय्या अला खैरिल अमल का इजाफा किया गया। इसी के साथ साथ दो कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए, तवल्ला और तबर्रा। ये तवल्ला और तबर्रा क्या है? देखिए ना, अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे हैं, अहले बैत हो या अहले बैत ना हो, तो सहाबा में इम्तियाज नहीं रहा। हाँ, वो लोग सहाबा में सहाबी होते हुए जो हुजूर के रिश्तेदार हैं, इन अ सेंस के करीबी हैं, उन्हें हुजूर ने अहले बैत कहा। बीवियां तो अहले बैत में ऑटोमेटिकली दाखिल हैं, औलाद भी अहले बैत में ऑटोमेटिकली दाखिल हैं, और बास के लिए हुजूर ने खास एहतमाम करके उन्हें अहले बैत में दाखिल किया। तो अब ये तवल्ला और तबर्रा क्या है? देखिए, जिसके तहत ये अहले बैत से मोहब्बत का ऐलान करते हैं ना, इसको ये तवल्ला कहते हैं। और सहाबा कराम को दुश्मनान अहले बैत बनाकर उनसे बेजारी का जो काम करते हैं ना ये रवाफिज, इसे ये तबर्रा कहते हैं। तो तवल्ला के नाम पर अहले बैत की मोहब्बत का इजहार करते हैं और तबर्रा के नाम पर असहाब रसूल से बेजारी। अच्छा, बगदाद की मसाजिद के दरवाजों पर खुलफाए सलासा यानी सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान गनी और हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, और इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा, इनके बारे में ना जेबा अल्फाज लिखवाए गए। इस अजीब व गरीब सी रसूमात को स्टार्ट किया गया, शिया सुन्नी फसादात फूट पड़े, जिसकी वजह से फिर वक्ती तौर पर इन रसूमात पर पाबंदी लगा दी गई। ताहम मौजुद्दौला के भतीजे इज़्ज़ुद्दौला ने जब ये देखा कि लोग इन बिदात को भूलने लगे हैं, तो इनको मुस्तकिल बुनियादों पर रिवाज देने की गर्ज से इसने अपने दौरे वजारत में इराक में दो मुतबर्रिक मुकामात दरियाफ्त कर। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के तकरीबन 325 बरस बाद 369 हिजरी में इराक में नजफ के इलाके में उनकी कब्र दरियाफ्त करके इसको मशहद अली का नाम दिया गया, जबकि हजरत अली की कब्र अरसा दराज से नामालूम थी। इसके साथ ही हादसा करबला के 310 बरस के बाद 370 हिजरी में हजरत हुसैन की कब्र को असर नौ दरियाफ्त करके इसको मशहद हुसैन के नाम से मौसूम किया गया। जबकि हकीकत यह है कि करबला में जिस मुकाम पर हजरत हुसैन की कब्र बताई जाती थी, इसके बारे में इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया जिल्द 8 सफा 203 में लिखते हैं कि इस मुकाम के आसार जहाँ हजरत हुसैन का मकतूल होना बताया जाता है, इस दर्जा मिट चुके थे कि कोई शख्स ये एग्जैक्टली सही तौर पर नहीं बता सकता था कि वो कौन सी जगह। यही वजह थी कि अबू नुआइम फदल बिन दुकैन, जिनके शिया होने के बारे में मुहद्दिसीन ने तसरी की है, उनके कौल के मुताबिक, और ये इमाम बुखारी से पहले के हैं, उनके कौल के मुताबिक वो कहते हैं कि जो कब्र हुसैन के जानने पहचानने का दावा करे, क्योंकि रवाफिस और जाहिल अवामुन्नास ने यहाँ जमा होकर मुश्किराना मुश्रिकाना अफ़ाल अंजाम देना शुरू कर दिए हैं, तो वो कहते थे कि इस शख्स के कौल को वो मानते ही नहीं थे जो कब्र हुसैन के जानने पहचानने का दावा करे, क्योंकि मालूम ही नहीं था किसी को। इसी बिना पर बकौल इबन जरीर तबरी, खलीफा अल मुतवक्किल अल्लाह अब्बासी खलीफा था, इनकी बाबत अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि वो निहायत मुत्तबे सुन्नत और इमाम अहमद इब्ने हंबल के मुअतकिद थे, 236 हिजरी में हुक्म दिया कि कब्र हुसैन इब्ने अली को ढा दिया जाए और आसपास के जायरीन के लिए जो सराय तामीर किए गए हैं इनको मुनहदिम करके पूरे इलाके में आपाशी की जाए और लोगों को वहां जाने से मना किया जाए, क्योंकि उस जमाने की शिया सुन्नी दोनों इस बात पर मुत्तफिक थे
कि जहां हजरत हुसैन की कब्र की निशानदही की जा रही है, हजरत हुसैन के 150 साल के बाद या 200 साल के बाद वो जगह ही नहीं है। शिया उलमा खुद कह रहे हैं, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, अबू नुएम फजल बिन दुकैन, कि लोगों को खबर ही नहीं है हजरत हुसैन की कब्र कहाँ थी, बस बना लिए। तो इसलिए वहां पर लोगों को डिस्करेज करने के लिए काम किया गया। इस मुकाम पर ज़िराअत का काम शुरू करवा दिया गया। ये मैं आपको तबरी कोट कर रहा हूँ, तारीख तबरी जिद 11 सफा 44। लेकिन दैलमियों ने अपने जमाने में बरसर इख्तदार आने के बाद तकरीबन 135 साल के बाद 370 हिजरी में यहाँ मशहद हुसैन तामीर करवा दिया, जबकि इससे पहले इस इलाके में 100 साल से ज्यादा अरसे तक ज़िराअत हो रही थी, और उस वक्त से लेकर आज तक ये इलाका ज़ायरीन के लिए मर्जा की जगह बना हुआ। दैलमियों और बनी बविया का सियासी इख्तदार तकरीबन 100 साल तक रहा, यहाँ तक कि सलजूकी, जो कि मजहबन सुन्नी उल मसलक थे, उन्होंने आकर इंतजाम सल्तनत अपने हाथ में लिया और उम्मत को इन लोगों से निजात दिलाई। दैलमी अपना सियासी इख्तदार तो खो बैठे, लेकिन उनके नजरियाती अफकार उम्मत में फैलते चले गए। अपने तकरीबन एक सदी पर मुश्तमिल सियासी इख्तदार में बनू बोया ने इस उम्मत को मातम हुसैन, ईद गदीर, मशहद अली और हुसैन जैसी फर्जी कब्रें, इसी तरह अजीब सी किताबों की तदवीन, नहजुल बलागा की तसनीफ जिसमें हजरत अली के मुंह से खुलफाए सलासा और अस्हाबे किराम पर सब शितम और बदगोई की गई है, ऐसी किताबें उन्होंने मंजर आम पर लेकर आए, लिखी उन्होंने, तसनीफ की, जिससे शिया सुन्नी एक फसाद की हवा गर्म। इसी तरह खुतबात जुमा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकिया 3 साहबजादियों और नवासों को छोड़कर सिर्फ चंद के जिक्र पर इक्तफा किया गया, और यही वजह है कि आज लोग पूछते हैं कि भाई हमें सही सोर्सेस से फला के बारे में बताओ, फला अहले बैत के लोगों के बारे में बताओ, फला अहले बैत के लोगों में बताओ। ये तारीख नापैद होती चली गई, यहाँ तक के रवाफिज ही की किताबों में जो उनकी मर्जी आई लिखते चले गए, और वही लोग अब पढ़ते हैं और समझते हैं कि शायद वही वो सच है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इन लोगों ने सहाबा और अहले बैत की अलग अलग इस्तिलाह जारी की, हालांकि सहाबा और अहले बैत में कोई फर्क नहीं। जो सहाबियत के दर्जे पर फाइज होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में दाखिल हुआ, वो नबी का अहले बैत यानी नबी अकरम के घर वाला है। ऑफ कोर्स कदरों मंजिलत है, लेकिन एक अजीब सी दीवार जो खड़ी कर दी है इन्होंने, वो दीवार सहाबा और अहले बैत में थी नहीं। और याद रखो कि उम्मत मुस्लिमा में एक तफरीक पैदा करने के लिए बहुत सारी इस्तिलाहात घड़ी गईं, जिसकी वजह से आज तक उम्मत उसका खुमियाजा भुगत। तो आपको पता चला कि ये ताजिया किसकी ईजाद, कैसे मोरज़े वजूद में आया, और कैसे इसकी तशहीर की गई, और कैसे इसको एक शरई हैसियत दी गई। लेकिन याद रखो कि शहादत हजरत इमाम हुसैन और आपके रुफका की शहादत यानी शहदाय करबला की शहादत पर इजहार अफसोस करना, गमजदा होना, इसकी तज़कीर करना, इससे अपने ईमानों को ताज़ा करना, अपने ईमान को ताज़ा करना, ये सारे काम जायज़ है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो खिलाफ शरीयत हो। अलबत्ता शहदाय करबला की शहादत पर मातम करना, मारना, पीटना, जंजीरें खोबना, अजीब व गरीब सी मुश्किलात और तकालीफ से खुद को गुजारना, ताजिए बना के निकालना, आलम घोड़ा चलाना, ये अफसोसनाक बातें हैं, बिदआत हैं, दीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ये ममनुआत में। इसलिए इन खुराफात का दीन में कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे हम कबूल करें। और याद रखें कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेली रहमतुल्लाह अलैह ताजियादारी और इसके मुतालिका रस्म व रिवाज के सख्त खिलाफ थे, और इस पर आपके दो मुस्तकिल रिसाले भी मौजूद, रिसाला ताजियादारी और दूसरा अल इफादा फी ताजिया अल हिंदी व बयान शहादा। और अपनी मशहूर किताब फतावा रिजविया में आप लिखते हैं कि ताजिया जिस तरह राइज है, न सिर्फ ये कि एक बिदअत है बल्कि बिदअत का मजमुआ है। इसी तरह आपने ये भी लिखा कि ताजिये में किसी भी किस्म की इमदाद जायज नहीं है, कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वला ताअवनु अलल इस्मी वल उदवान, गलत कामों में एक दूसरे की मुआविनत ना करो, और बिदअत तो होती ही गलत है। तो फतावा रिजविया में हिस्सा नंबर 2 सफा 207 और 208
इसी तरह अगर आप सदर शरिया मौलाना अमजद अली रिजवी खलीफा आला हजरत जो मुसन्निफ हैं बहार शरीयत के, उनकी किताब उठा के देखें तो वो भी लिखते हैं कि ताजियादारी के वाकयात करबला के सिलसिले में तरह तरह के ढांचे बनाते हैं और इनको इमाम हुसैन के रोजा पाक की तशबीह ही कहते हैं और ढोल ताशे अजीब व गरीब से बाजे बजाते हैं। ताजियों का बहुत धूमधाम से गश्त होता है आगे पीछे होने में, इसमें अजीब सी जाहिलियत वाली चीजें होती हैं, मन्नतें मांगी जाती हैं, फूल नारियल चढ़ाए जाते हैं, शरबत वगैरह पर फातिहा दिलवाई, इस तसव्वुर के इमाम हुसैन के रोजे में फातिहा दिला रहे हैं और फिर दसवीं को मस्नूई करबला में ले जाकर दफन करते हैं। वो कहते हैं बहार शरीयत की जिल्द 4 सफा 247 पर कि ये सब के सब खुराफात हैं और सब के सब नाजायज और गुनाह के काम। इसी तरह मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अपनी किताब खुतबात मुहर्रम में माह मुहर्रम में मौजूद इन मुरव्वजा बिदआत को नाजायज हराम कहने के बाद लिखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इमाम अहमद रजा बरेली की अकीदत का दम भरते हैं लेकिन हिंदुस्तान की मुरव्वजा ताजियादारी हराम होने के मुतालिक उनका फतवा नहीं मानते। कुछ लोग मजामीर के साथ कव्वाली ये करते हैं, बाज और अजीब व गरीब से काम करते हैं लेकिन नाम आला हजरत का लेते हैं, लेकिन जब बारी अमल की आती है तो आला हजरत के फतवे को सिरे से खारिज कर देते। ईमान से बताओ ऐसा नहीं करते। मेरे अपने चैनल पर आकर जब मैंने आला हजरत के फतावाजात इस मसले पर आपसे जिक्र किए तो कोई कहने लगा तुम तो यूथ क्लब वाली बातें कर रहे हो। मैं यूथ क्लब वाली बातें अगर कर रहा होता तो वाबियों के फतवे कोट करता, आला हजरत के फतवे कोट नहीं करता। तो आला हजरत की जब फतवे कोट कर रहा हूँ तो सुन्नी हजरत की किताबों से बता रहा हूँ, लेकिन वही बात है मैं ना मानू। अब आला हजरत भी मेरे नफ्स के खिलाफ हो गए हैं तो आला हजरत की बात भी ना मानू, लेकिन खुल के कह तो नहीं सकता, तो जो बता रहा है उसी पर चढ़ दौड़ो। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलमाए दियोबंद के पास आ जाए तो उनके पास भी यही आपको नजर आएगा कि वो भी इससे मना करते। बहरहाल कहने का मकसद ये है अहले हदीस उलमा के पास चले जाए तो उनके नजदीक भी ये मामला ठीक नहीं है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ लोग समझते नहीं, बस करते चले जाते हैं। बात बताने का आज का मकसद ये था आपको कि आपको खबर हो कि ये जो मामले जिनको आप दीन समझ के कर रहे हैं वो दीन से कितने दूर की बात है। अल्लाह हिदायत दे और हमें तौफीक अता फरमाए कि सही माना में दीन को फॉलो कर सके। यही मकसद है आज की इस वीडियो का, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो, और यही मकसद है इस चैनल का भी कि आपके इल्म में इजाफा हो और आपको पता चले कि क्या ठीक है क्या गलत है, इन चीजों की असल क्या है जिनकी असल को बगैर जाने आप सिर्फ इत्तबा में लगे हुए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सैयद साद कादरी।